भाजपा के संकल्प पत्र में फिर एक बार लोक लुभावनी घोषणाओं की लंबी फहरिस्त नजर आई। हालांकि मूलभूत मुद्दे गौण रहे, लेकिन भाजपा का दावा है कि संकल्प की 95% घोषणाएं भाजपा ने पूरी की है, केवल 5% योजनाएं तकनीकी कारणों से पूरी नहीं हो सकी। पत्रकार वार्ता में भाजपा के नेताओं ने दावा किया कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनाते हैं और संकल्प पत्र पर काम करते हुए अब 250 की आबादी वाले गांवों को भी मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। स्टार्टअप योजनाओं को ग्रामीण इलाकों तक ले जाया जाएगा, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। रोजगार के मुद्दों पर बात करते हुए सांसद ओम बिरला ने कहा कि अभी तक मनरेगा योजना ग्रामीण इलाकों में ही थी, लेकिन अब पहली बार शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू करते हुए शहरी इलाकों में भी मनरेगा के जरिए रोजगार देने का काम भाजपा करेगी। संकल्प पत्र में कोटा के लिए हुई घोषणाओं के सवाल के जवाब में बात करते हुए सांसद बिरला ने कहा कि जल्द कोटा में मिनी सचिवालय बनवाया जाएगा, योग भवन बनवाए जाएंगे, सभी ग्राम पंचायत को 108 एम्बुलेंस से जोड़ा जाएगा। साथ ही दिल्ली मुंबई कॉरिडोर योजना से दिल्ली मुंबई की दूरी भी घटेगी, ये एक्सप्रेस वे कोटा से निकलेगा, जिससे कोटा के विकास में गति मिलेगी। हालांकि कोटा शहर का सबसे ज्वलंत मुद्दा हवाई अड्डा है, जिस पर आज भी भाजपा सिर्फ आश्वासन ही देती नजर आई। दरअसल कोटा में हवाई अड्डे को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही है, कई बार बड़े बड़े आंदोलन भी किए गए। तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं के भाषणों में हवाई अड्डा बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन सिर्फ भाषणों तक सीमित होकर रह गया। लेकिन सत्ता में बैठी सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।